तो दोस्तों ये रहा मेरे हाथ में Realme Buds क्लासिक ईयरफोन। जैसा कि आप लोग बॉक्स में देख पा रहे होंगे, ये एक ब्लैक कलर वाला ईयरफोन मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया। तो आज मैं इसी वीडियो में इसी ईयरफोन का अनबॉक्सिंग करने वाला हूं और आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूं क्या आप लोग को ये ईयरफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ फीचर्स के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसा कि सबसे पहले आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें मिलता है 14.2 mm का लार्ज ड्राइवर मिल जाता है, और इसमें मिल जाता है डीपर एंड रिचर बेस मिल जाता है, और म्यूज़िक एंड वीडियो को भी आप लोग कंट्रोल कर सकते हैं इसी ईयरफोन के मदद से। और देखिए इसमें क्या मिल जाता है, HD माइक्रोफोन मिल जाता है, मतलब इससे आप लोग कॉल को एंड कर सकते हैं या फिर कॉल का आंसर भी आप लोग कर सकते हैं डायरेक्ट ईयरफोन से। बॉक्स से ऊपर प्राइस मेंशन किया गया है 699। लेकिन दोस्तों मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया कितने रुपए में, मैंने मात्र मंगाया 275 रुपये में, मतलब कि 274 रुपये में। मुझे और कैसे डिस्काउंट मिला, मुझे 25 रुपये का जो डिस्काउंट मिला वह मिला सुपर कॉइन से। एक्चुअली इसका दाम है कितना, 299। तो चलिए दोस्तों अब मैं इस बॉक्स को ओपन कर लेता हूँ। तो बॉक्स कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। देखिए यहाँ पे हमारा मेन आ जाता है ईयरफोन। तो ये रहा हमारा ईयरफोन। तो मैं इसको फिलहाल साइड में रखता हूँ और देखता हूँ उसमें और कुछ मिलता है क्या नहीं। पीछे में और कुछ सामान इसमें मिल जाता है, जैसे कि कुछ पेपर वर्क आप लोग को देखने को मिल जाता है, और इसमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये रहा हमारा दोस्तों ईयरफोन। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, और ये जो इन ईयर टाइप वाला ये ईयरफोन है, और नीचे में जो मिल जाता है 3.5 mm का पिन। और मैं तार का क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो है आप लोग अपने पॉकेट में रखेंगे तो ये उलझेगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये टेंगल फ्री वायर इसमें यूज़ किया गया, जो कि दोस्तों काफ़ी मुझे बढ़िया लगा। और यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते हैं, मैंने पहले आप लोग को वीडियो में बताया कि यहाँ से आप लोग अपने वीडियो और म्यूज़िक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप लोग कॉल को भी अटेंड कर सकते हैं, और यहाँ पे एक माइक भी दिया गया है जिसकी मदद से आप लोग कॉल पे भी बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं सबसे पहले इसका साउंड सुनता हूँ, फिर आप लोग को बताता हूँ कि इसमें साउंड कैसा मिल जाता है और इसमें बेस कैसा मिल जाता है। सो मैंने इसका साउंड को टेस्ट कर लिया। तो दोस्तों 299 के हिसाब से इसका जो साउंड क्वालिटी मिलता है काफ़ी बेहतरीन आप लोग को इसमें मिल जाएगा अगर आप लोग इस ईयरफोन को ख़रीदते हैं। और इसमें बेस की क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया है भैया। मैंने बहुत ईयरफोन को यूज़ किया लेकिन 300 रुपये में मतलब इतना बेस अच्छा है मैं आप लोग को बता भी नहीं सकता हूँ। तो दोस्तों ये आप लोग ज़रूर से ज़रूर बाय कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए ये जो ईयरफोन है, मतलब कि इसको कान में अपने आप लगाएंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये कान से निकलता नहीं है, गिरता नहीं है, तो आप लोग आराम से गाना वगैरह सुन सकते हैं या फिर आप लोग कॉल से बात कर सकते हैं। तो 299 के हिसाब से इसमें साउंड क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया मिल जाता है। तो दोस्तों आप लोग भी इस ईयरफोन को ख़रीद सकते हैं फ्लिपकार्ट से। शायद अभी सेल वगैरह चल रहा था तो मुझे ये मिल गया 275 रुपये में। तो दोस्तों आप लोग को भी 300 रुपये में मिल जाएगा, और आप लोग के पास सुपर कॉइन है तो उसमें भी आप लोग को 25 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दें, और हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले और सब्सक्राइब भी करना ना भूले। तब तक के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।